नमस्कार सबको, प्रतिमा रसोई पेज फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फिश कतला करी, जैसे कि नेम है कतला करी माछर कालिया, मतलब एक बंगाली नेम है, बंगाली डिश है। बीए बारीर कतला माछर कालिया रेसिपी, मतलब बीए बारी मतलब मैरिज फंक्शन, फंक्शन में जो मछली का करी बनता है उस होम में कैसे बनाएंगे घर पर। ये ग्रीन हरा धनिया है, इसकी अगर यूज़ किया जाए तो वो बड़ी फ्लेवर के साथ मछली करी बनती है, ऑथेंटिक करी बनती है, स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा आती है। और आपके पास अगर ग्रीन धनिया है तो इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ये है फिश मतलब कतला, इसको आप 1 kg की तकरीबन ले लीजिए। और नॉर्मल जैसे ब्लैक पेपर, लीमन, ग्रीन चिली, टर्मरिक और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, ये सब आप थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल के साथ ये मिक्स करिए। घर पर बना रहे जो आपके पास है, मन में आपकी जो भी आए मसाला डालिए, आपके मन मुताबिक डालिए, दिल खोल कर डालिए। मछली में कुछ आप नहीं डाल सकते ऐसा नहीं है। आप अगर इसमें चाहेंगे नहीं, इसमें हम सीजनल मैंगो, रॉ मैंगो भी यूज़ करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मछली जितनी अच्छी तरह से आप बना सकते हैं घर पर, और ये बाहर में नहीं बन सकता है। आपके घर पर जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसी चीज़ से बनाइए। इसमें कुमिनी मोस्ट इम्पोर्टेंट मछली में डालिए, ये डाइजेस्टिव में भी काम करता है। और ये अच्छी तरह से मसाले को, ये ड्राई मसाला है, इसको थोड़ी सी वाटर के साथ मछली में मिलाइए। और इसके बाद थोड़ी सी आधा घंटा 15 मिनट छोड़ दीजिए। हम घर पर बना रहे हैं, होटल में तो थोड़ी बना रहे हैं, जितना हो सके आपसे उतनी उसी आसानी तरीक़े से बनाइए। और ये जब 15-20 मिनट के बाद मसाला इसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करने के लिए तेल रखेंगे। तेल हम ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करें, मछली में बेहतर रहता है। और आपके पास अगर कोई और ऑयल भी है तो भी आप उसे यूज करिए। इसके बाद थोड़ी सी ऑयल अगर गर्म हो जाए, टेम्परेचर लो से हाई हो जाए, मीडियम तक रखने की कोशिश करें ऑयल को, उसके बाद हम एक एक करके फिश इसमें डालते जाएंगे। और इसको दोनों साइड से, बोथ साइड से पकाएंगे, मतलब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। और ये जब फ्राई हो जाएगा, इतना सुंदर कलर का ये मछली निकल रहा है, ये दिखने में भी बहुत सुंदर है। बनाएंगे घर पर, खुद बनाएंगे, खुद के हाथ से बनाएंगे, इसका मज़ा कुछ और है। तो इसको बनाने की प्रोसीजर में ही आपको खुद से इंटरेस्ट जमना शुरू हो जाएगा। नहीं, हम घर पर खुद अपने हाथ से बना रहे, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाता है। कोशिश करें, ज़रूर करें, घर पर बनाएं, झटपट बनता है मछली। बाजार से लाइए, ये देखिए वन साइडेड ये पक गया है, हम इसे पलट ले रहे। पलटने के बाद ये दोनों साइड से भी पक जाएगा। पकने में 5 से 10 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है मछली को पकने के लिए। हम इसमें चाहे तो आपके पास अगर कर्ड है, थोड़ी सी आप लीमन की जगह इसे कर्ड पे डाल दीजिए। ये जब आपकी जो पेस्ट अदरक लहसुन ये प्याज कुमिनी सब कुछ टमाटर वगैरह डालकर जो मसाला पेस्ट बनाएंगे, इसमें दही ऐड होता है, ये कतला है तो ये दही कतला के साथ भी जाएगा। तो इसमें आप कुछ नहीं किए अभी तक, लेकिन इतना सुंदर डिश आपकी फिश कालिया घर पर बनकर, जैसे कि मैरिज फंक्शन में बनता है, बीहे बाड़ी में बंगाली डिश है तो ये बीहे बाड़ी में बनता है, तो ये आपके घर पर झटपट हाफ एन आवर में प्रिपरेशन होकर टाइमिंग में हो गया। ये आप इसमें गर्मा गर्म भात के साथ, राइस के साथ, व्हाइट राइस के साथ ले सकते हैं। अगर इसे आप नहीं, व्हाइट राइस रोटी के साथ भी आप ले सकते हैं, क्यों ना ले। अगर आपको रोटी भी खाना है तो इसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइस लिया है, तो राइस के साथ मैंने ट्राई किया और येलो राइस के साथ किया, तो ये बहुत बेहतरीन रेसिपी मुझे लगा नहीं आप लोगों के साथ इसको एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयरिंग किया जाए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें फिश कालिया।